अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण अर्थ शास्त्र प्रकरण के ऊपर विचार करते हुए अब जो है ग्रंथ का सृष्टि होना संभव ही नहीं है इस प्रतीक का वाक्य को पुष्ट करने के लिए हेतु भी दिया अब दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं कि कैसे लोग नहीं है फिर भी दिखाई क्यों देते हैं। तो अलाद का दृष्टांत दिया तो जिस प्रकार अलाद में जो भी कुछ आकार दिखाई पड़ता है वो ना कहीं बाहर से आता है ना कहीं चला जाता है ना अलाद में प्रवेश करते हैं प्रकृति मात्र है। ठीक इसी प्रकार संसार भी एक विज्ञान की जो है गति के कारण विज्ञान की गति वास्तविक विज्ञान में कोई गति नहीं है तो पूर्ण है व्यापक है प्रतिफलित चेतन है उसमें वासनात्मक गति के कारण संसार दिखाई पड़ते हैं। और जब तक ये धर्म धर्म रूपी कर्म से शरीर और शरीर से धर्म धर्म करके फिर जब तक ये भाव रहेगा तब तक ये संसार का दृष्टा होता ही रहेगा। ये अज्ञान से जो ये भाव जब तक चलता रहेगा तब तक इसका विस्तार होता ही रहेगा। इसको बोलते दिखाते हैं हम लोग इसको कह रहे थे कि चित्त से मतलब चैतन्य से कोई धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता और जीव में भी कोई चित्त नामक कोई वो थोड़ी कल्पित है। ये जो है ये पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव नहीं है। बार 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 विचार करते हुए जो हेतु फल आ जाती कभी शांति मनुष्य है हेतु और फल जो भी कार्यकरण कहेंगे आपको दिखाई दे रहा है ये कार्यकरण का पारमार्थिक होना संभव नहीं है। इस स्थिति में विवेकी व्यक्ति पहुँच जाते हैं। अन्य व्यक्ति क्यों नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि जब तक इस प्रकार हमारे मन में भावना रहता है क्या धर्म धर्म आचरण करने से तो पुण्य होता है और पुण्य से सुख होता है। अलग अलग लेवल में अलग अलग प्रकार के धर्म आचरण की बुद्धि है। जो जहाँ तक कोई ब्राह्मण है पंडित है जो कोई शास्त्र जानते हैं तो स्वस्थ शास्त्र पाठ पर पूर्ण होता है उसको। कोई ब्राह्मण है कर्मकांड जानते हैं तो कर्मकांड से पूर्ण होता है उसको। कोई मान घर की बात है वो सोचता है गंगा स्नान से पूर्ण होता है तो उसको। कोई व्यक्ति जो तीर्थ से पूर्ण होता है तो उसको उसका मन से निकल नहीं पाता क्योंकि उसका स्पर्श हर एक कर्म के पीछे भावना है कि इससे पूर्ण होता है मुझे इसका लाभ मिलेगा बस उससे लाभ ही उसको एक अलग जन्म देगा उस भावना उसको अलग जन्म देगा। इस प्रकार से ठीक है विचार पूर्वक हमने पाप कर्म को छोड़ दिया कि उससे दुख मिलता है परंतु पुण्य के प्रति जो है एक धर्माचरण के प्रति एक जबरदस्त आसक्त होता है और वो छोड़ना बहुत कठिन पड़ता है। इसलिए श्लोक को समझना आसान है फिर इसको डाइजेस्ट करके इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन है।
अन्नम बांटोगे तो ठीक चल रहा है, हमको इम्प्लीमेंट करना है बहुत धैर्य के साथ, धीरे 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 शरीर आचरण करते रहे अपने, परंतु मैं बिल्कुल इससे अलग हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल इसके साथ कोई संबंध नहीं है, दृढ़ निश्चय। परंतु क्या होगा, शरीर के आचरण के अगला कोई फल वो हमारा मन में नहीं उठेगा, अपना प्रत्यय के अनुसार जितना शरीर में लिखा दिख दिया भगवान उतना शरीर को करना है। शरीर का क्या है, मैं प्रत्येक शरीर इंद्र मन बुद्धि का दृष्ट मात्र हूँ, इसके साथ तीनों काल में ना मेरा कभी पहले संबंध था, ना है ना होगा, क्योंकि वस्तु ही नहीं है परमात्मा, परमात्मा को वस्तु ही नहीं है। जब जैसे हम जगह तब हमारे शुद्ध तब हमारे शरीर के साथ आत्मा करके व्यवहार करते हैं, इसी प्रकार से माया ने जैसे जग जाएंगे तब निश्चय हो जाएगा ये एक माइक वस्तु है, कुछ दिन के लिए भगवान ने दिया था इसको समझने के लिए कि माइक है, इतना ही है ये जो संसार में इसको दिया, इसीलिए है संसार की मिथ्या तो को समझ करके परमात्मा एकमात्र सत्य वस्तु है, वहाँ पे मन लगाने के लिए भगवान ने सृष्टि को बनाया, मनुष्य शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, उसको समझ जाए ठीक से, तब फिर उसका जन्म मृत्यु के ब्रह्म कभी आता ही नहीं। हम लोग 55 पूरा कर दिए थे, नहीं जावत हेतु फलावेश फलत भव, शून्य हेतु फलावेश नास्ती हेतु फलत भव, उसको पढ़ते करना श्लोक जावत से दोनों लेना है, जब तक और जिस जिस वस्तु में, क्या बोला है जावत मतलब जब तक जिस जिस वस्तु में जिस जिस का आग्रह हुआ, जावत हेतु फल आवश्यक मतलब इसके करने से इलाम हुआ, धर्माचरण करने से, गंगा स्नान करने से, पुनित्व यात्रा करने से, सेवा करने से जो भी इलाम होगा, जब तक ये भावना बना रहे जिस जब तक जिस जिस वस्तु में, जब तक अलग अलग है दोनों अर्थ हो जाएगा इसमें, जावत हेतु फल है, हेतु और फल के आवेश ये शब्द बहुत देखते हैं, जैसे ग्रहाविष्ट नहीं होते हम लोग भूत प्रेत पिशाच की तरह आविष्ट होते हैं, ग्रंथकार बोलते हैं यही है पेश प्रेताविष्ट हो गया, हम लोग प्रेताविष्ट जैसा हो गया तो छोड़ना नहीं चाहता उसको, जावत हेतु फलावेश तावत हेतु फल, तब तक आपको एक के बाद एक शरीर का कारण उत्पत्ति कार्यकारी देखते रहेगा। परंतु विचार पूर्वक यदि हम इसको निर्णय कर लेते हैं, अरे ये जो कल्पना मात्र है, हमने सोच लिया था ये माता पिता बंधु भ्राता संसार परिवार सब में जो है एक संबंध हमने जोड़ लिया था, ये कल्पना ही है, आज तक ये कभी किसी का हुआ ही नहीं, विचार करके देखने से ना जाने कितना जन्म है, कितना माता पिता, कितना मकान दुकान, कितना मतलब एकेडमिक सर्टिफिकेट अपना यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, साथ में मूर्खानंद बन कर फिर आए किसी को बता वही चीज़ बन, यही जो है तो कभी होता ही नहीं है, अपना होता ही नहीं है ना कुछ सच है, इसलिए छीने हेतु फल है, उसे विचार करते करते इसलिए परीक्षा लोकान कर्म चिता बोला उपनिषद की बात कि यहाँ पर छीने हेतु विचार पूर्वक जो हम निर्णय करना सोच से सीखेंगे, अरे न जाने कितना जन्म में कितना ये सब हमने किया पर कुछ भी साथ नहीं दिया, फिर आकर के वास्तविक ये कुछ है ही नहीं, यदि होता तो हमारे साथ रहता है ही नहीं, होते सब कुछ इसमें मन निश्चय हो जाने पर नास्ती हेतु फल, फिर जो है ये कार्यकरण भाव जो मन से मिट जाता है, फिर जो है किसी कार्य रूप आप शरीर धर्म नहीं करेगा, परंतु धर्म था लेकिन भी मुख्य समस्या होता है ये धर्माचरण, तभी भगवान श्री कृष्ण पर्टिकुलरली उसी नाम को बोला सर्वधर्मान परित्यज, है कि नहीं, भगवद गीता का हमको लगता है कि भगवद गीता वो जो ठोस वेदांत तो भरा हुआ है, शब्द भी सही थोड़ा सा, इतना कठोर शब्द नहीं बोला, थोड़ा सा मीठा, मुझे जिस प्रकार कोई मैंने जागृत होता है ना कड़वा, उसके ऊपर एक शुगर कोटिंग लगा देते हैं तो खाने में बच्चा कम से कम खा तो लेगा, तो भगवत जरा शुगर कोटिंग के साथ बोल रहा है, वो तो वेदांत सिद्धांत ये किसी नहीं बोल रहा है, अलग अलग कुछ नहीं बोल रहा, सिद्धांत तो वही है उसमें हिंदू नहीं है, छीने हेतु फल आवेश नास्तु हेतु फल। अब यहाँ पे टीका हम पढ़ लिए थे, न फलाद हेतु जायते न फिर फलम हेतु, फल से भी हेतु की उत्पत्ति नहीं होता ना हेतु से फल की उत्पत्ति, फलाद हेतु है ना फल से हेतु मतलब जिससे जो फल हो गया शरीर
शरीर से धर्म धर्म और फिर उल्टा ना विफलम हेतु हो। अच्छा अभिफल जो हेतु से फल से हेतु, हेतु से फल, ये दोनों होना संभव नहीं है। कब? तत्व दृष्टिया, तत्व दृष्टि से पारमार्थिक ध्यान देना। वेदांती कभी नहीं बोलते हम बचा नहीं है, जब तक पारमार्थिक दृष्टि नहीं खुलेगा तब तक ये है, दूसरा बात इसको समझता नहीं है। वो बोलेगा आपने तो अभी ये बोला, अभी ये बोल रहे हो, अभी लड़ाई करना शुरू करेगा। बोलते भाई हमने क्या बोला, तो देखो हम कब जगत को मिथ्या बोलते हैं, पारमार्थिक दृष्टि में खड़े होकर के तब जगत को देखो, तब आपको पता लगेगा। व्यवहारिक दृष्टि में जा करके व्यवहार को सुधरने जो कभी नहीं सोचेगा, पारमार्थिक में खड़े होकर व्यवहार को देखो, व्यवहार सोचना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे ना हेतु फलाद हेतु जायते ना पी फलम हेतु, हेतु से भी फल की उत्पत्ति है। कब? तत्व दृष्टा तात्विक दृष्टि से ऐसा उपदेश किया मानवीय को कार्य का गया। इदानी आप है ना, ये हम मुमुक्ष को ये निर्देश है। इदानी मुमुक्षु नाम तत् अभिनिवेश व्यावृत्ति अर्थ, ये जो कार्यकरण भाव की जो अभिनिवेश है, ये अभिनिवेश है दुराक्षर है, उसको हटाने के लिए उसको मुमुक्षु को जब अगर जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना है, तब ये जो एक करके ये मिलेगा सात्र साधन भाव, इसको मन भगवान भाष्य का विकाई कर लीजिए। सात्र साधन फल है, तो ये भेद दृष्टि कभी भी अद्वैत दृष्टि को खड़ा होने नहीं देगा। इसको मीठा करके भेद मतलब भेद बुद्धि को मीठा करके ही जो है अद्वैत दृष्टि को देते, इसीलिए उसको हटाना है। ये तब अभिनिवेश व्यावृत्त है, तो ये जो हेतु का कार्यकरण भाव के अभिनिवेश होने बैठा हुआ, उसको अलग करने के लिए तत् अभिनिवेश भाव अभाव है। कि जो अभिनिवेश की मतलब कार्यकरण भाव की विद्यमानता अविद्यमानता तत् बुद्धो अनुभव दर्शाते, बुद्धि में जब ये अनुभव रहेगा उसको तब जाकर के समय निकाल पाओगे। इसलिए बोलते हैं ये बुद्धिक व्यापार है, बुद्धि ने मन में समान्यता दे रखा तभी हम ऐसा मानते रहते हैं, मतलब पारमार्थिक ऐसे है नहीं। तब बोलते हैं जावत है श्लोक अक्षराणी आकांक्षा प्रदर्शन पुरस्वर विप्रेणोती भगवान भाष्यकार। श्लोक में आए हुए अक्षरों को क्यों भगवान को कहते हैं आकांक्षा पुरस्वर, एक आकांक्षा हर बार आपने देखा भगवान भाष्यकार प्रत्येक श्लोक के द्वारा कौन सी शंका को निराकरण करना चाहते हो, भगवान भाष्यकार एक के बारे बोलते जा रहे हैं। यहाँ भी आकांक्षा उठा करके इस श्लोक अक्षराणी आकांक्षा पुरस्वर क्यों ऐसा लिख रहे हैं, इस आकांक्षा को उठा करके फिर उसका व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार। देह पुनः भाष्य में हेतु फलयोर अभिनिविष्ट मतलब अभिनिविष्ट, हाँ विश्व प्रथम अवचन है, जे का विषय है, ये जे का विषय है, जे पुनः पुनः पर और जो लोग हेतु फल हेतु फलयोग हेतु और फल इन दोनों का आपस में कार्यकरण का हमेशा इसमें अभिनिवेश है, अभिनिविष्ट विशेष करके दुराग्रह है जिन लोगों का जो तेषा उन लोगों का किम से क्या होता है, क्या दुर्गति होती है, अथवा कब तक इसका विस्तार होता है, किम से इति उच्यते। जब तक ये कार्यकरण भाव के दुराग्रह हमारे अंदर रहेगा तब तक क्या होता रहेगा वो मानवीय को कार्य कर यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे दो नंबर टिप्पणी होती है किम शायद, किम शायद मतलब फलम अनिष्टम, क्या अनिष्ट फल होगा उसमें हम मानवीय को कार्य कर दिखा रहे हैं। तो ये पुनः हेतु फल अभिनिविष्टेशम किम शरी उच्यते है बच्चा धर्माधर्म आख्यस्य हेतु अहम कर्ता मम धर्मा धर्मम तत्फलम कालांतरे जो कहते हैं लोकांतरे देशांतरे जो मतलब फलम क्वचित प्राणी निकाय जातु किसी भी मनुष्य शरीर धारण करके भोक्षे मैं भोग करूँगा भोक्षे इति यावत हेतु फलयोर आवेश फल हेतु फल आग्रह आत्मनि अध्यारोपणम तच्चित्ततया इति अर्थ। जब तक ऐसा होता रहेगा धर्माधर्म आख्यस्य हेतु, पहले किसको हेतु माना धर्माधर्म मतलब जब पूर्व जन्म में हमने जैसा धर्म अथवा अधर्म आचरण किया तद अनुकूल इस बार शरीर मिला हमको, उसे होता है धर्माधर्म नामक जो हेतु है हेतु हो धर्माधर्म यहाँ तो धर्मस्य अधर्मस्य तदेव आख्य धर्माधर्म तस्य हेतु का विषय नहीं है, हेतु का विषय है धर्माधर्म नामक जो हेतु है उसका उसका क्या बोलते हैं मैं धर्माधर्म अहम करता मैं उस धर्माधर्म को करने वाला आचरण करने वाला हूँ मम धर्माधर्म ये धर्माधर्म मेरा है अच्छा व बुरा कोई तो बुरा तो साथ नहीं लेना चाहता है धर्म अच्छा तो है ये किया वो किया अधर्म तो छुपाएगा मतलब छुपाने से क्या होगा भगवान की दृष्टि थोड़ी छुप पाएगा वो तो रहेगा
तत्फलम, इसका धर्म का, धर्म का फल को कालांतर में है ना, दूसरी समय में, कालांतर में, देशांतर में, लोकांतर में ना, भिन्न किसी एक देश में आकर के अथवा लोकांतर में हो सकता है। क्वचित प्राणी ने कहा है जात, किसी भी एक शरीर प्राणी जीव प्राण धर्म का कोई भी एक प्राणी की शरीर धारण करके जात भोक्षे, मैं भोग करूँगा है ना, अहम भोक्षे, इति इस प्रकार से जावत हेतु फलयो, जब तक इस प्रकार हेतु और फल के आवेश दुराग्रह अभिनिवेश है ना, ये भूताविष्ट में जैसा जब तक ये हमारे मन में बैठा रहेगा, इसको होता है हेतु फलाग्रह, हेतु और फल के प्रति हमारा आग्रह बना रहेगा, फलाग्रह आत्मनि अध्यारोप, आत्मा में अध्यारोप कर कर्म करेंगे। इन तत्चित्तया, वो संस्कार वहाँ पे बैठा हुआ है, तत्चित्त वो चित्त पर आधारित होकर वो संस्कार के द्वारा बार बार पुष्ट करने से लाभ होगा, नहीं करने से लाभ होगा, ये जो है हर चीज के साथ हम लोग एक ऐसा जोड़ लेते हैं, इससे लाभ इससे नुकसान, इसलिए करो अथवा नहीं करो, ये जो यही भाग को जब तक ये भाग रहेगा तब तक मुक्त होना संभव नहीं है। तो धर्माधर्म कस्य हेतु अहम कर्ता, मम धर्माधर्मो, ये मैं धर्माधर्म मेरा है, मैंने किया, तत्फल उसकी फल को, धर्माधर्म के फल को कालांतरे क्वचित प्राणी ने कहा जाते है ना, कहने का जात अहम जात, किसी भी मनुष्य शरीर, किसी भी शरीर को प्राप्त करके भोग से मुझे भोग करना है, इति इस प्रकार से जावत हेतु फल, जब तक इस प्रकार, जब तक जावत, जब तक जिस विषय में हेतु फल के आवेश होगा है ना, दोनों अर्थ लगा हेतु फल आवेश हो तब तक वो हो जाएगा हेतु फल आग्रह, आवेश के मतलब ग्राविष्ट की तरह का, आत्मा ने अध्यारोपण, आत्मा में हम अध्यारोप करके व्यवहार करते हैं, तब चित्तता, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास वो संस्कार बैठा, तब चित्तता चित्त मतलब संस्कार होंगे, उस संस्कार के कारण इति बात है, जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक क्या होगा, तब हेतु फलयो उद्भव, तब तक ये कार्यकरण भाव हेतु के फल, फल से हेतु, ये चलता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, मतलब एक कुलाल चक्र पर घूमता ही रहेगा ऊपर नीचे, अथवा घटी यंत्र पर, घटी यंत्र पर मतलब कुलाल चक्र पर घूमते ही रहेंगे, तब हेतु फलयो उद्भव धर्मा धर्मयो तत्फल अनुच्छेदेन प्रवृत्ति, क्या हो जाएगा उद्भव शब्द अर्थ करते हैं तावत हेतु फलोद्भव है ना, तावत हेतु फलयोर उद्भव बोल रहे मंत्र की श्लोक की द्वितीय पद में, तावत हेतु फलोद्भव है ना, तावत हेतु फलयो उद्भव और फल के साथ इसका षष्ठी, ठीक है ना, ऊपर में समास पद लिखा हुआ है, यहाँ पे विग्रह कर दिया, तो तावत हेतु फलयोर तब तक हेतु और फल की उत्पत्ति होते ही रहेगा वहाँ पे, धर्मा धर्मयो तत्फल अनुच्छेद, ये धर्म धर्म और उसके फल, धर्म धर्म और शरीर, शरीर धर्म धर्म, इस प्रकार से अनुच्छेद ना, उदाउट एनी इंटरप्शन है ना, वो किसी भी अनुच्छेद तीन नंबर में निरंतर है ना, निरंतरता के साथ एक के बाद एक होता ही जाएगा, उदाउट एनी इंटरप्शन प्रवृत्ति, उसका प्रवृत्ति मतलब उसका इफेक्ट होता ही जाएगा, इसी अर्थ इसका विपरीत अर्थ है। अब जिस प्रकार कोई ग्रहविष्ट हुआ उसको भूत चुराने के लिए क्या करते हैं, किसी को भूत पकड़ लिया तब उसको क्या करते हैं, कोई मंत्र औषधि मार पीट कुछ भी करते हैं, एक बात शुरू शुरू में क्या हुआ कि मेरे पिताजी माता जी कल कर मैं कहूँ, मैं आश्रम की छत में एक मंदिर तक बैठा हुआ था, तब दूर से देख रहा हूँ कि पिताजी माता जा रहे, मैं छत से भाग करके मुझे जंगल में छूट गया, रात भर तो जंगल में बैठा था, दूसरे दिन सूर्य होते पहाड़ के ऊपर ऊपर से जमुना तीर की तरफ, कोई जान नहीं था, कुछ भी नहीं था, चला गया वहाँ पे किसी एक दुकान, सुबह मतलब लगभग सुबह हो रहा था, तो लगभग एक दुकान खुला मिला, छोटा लड़का देखा तो शाम से भूखा भी था, जैसा तब मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा यहाँ पे रहने का जगह मिल जाएगा, जैसे मैं वो बोलता मैं तो नौकर मालिक को बुला, तो मालिक को बोला बिल्कुल बेचारा बहुत अच्छा निकला, कुछ पूछा बच्चा ने हाँ हाँ मारा जी रही रहने दिया, परंतु वहाँ पे उस दिन रात को मैं मतलब कमरे से बाहर नहीं निकल नहीं पे, मेरे को जानता कोई कहीं देखेगा फिर, तो रात को हल्ला गुल्ला की आवाज़ सुनाई दे रहा, कोई मत मारो इसको, भगाओ इसको, और एक माता की चिल्ला रही है, तो मैं सोचा कि क्या तमाशा हो रहा है, तो मैं निकला निकल करके फिर बाहर आके ऊपर जाकर देखा, तब देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति वो लाल लोहे का चिमटा गर्म करके एक उसको भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, अच्छा इतने में मैं जाके वहाँ पे खड़ा हो गया, तब वो बोल पड़ी मैं कैसे जाऊँ सामने एक खड़ा है नहीं जा सकता हूँ, मैं सोच रही भैया मैं तो पहले नहीं सोचा कि मेरे को बोल रहे हैं,
तो ना तुम लोगों ने इधर से देखने लगा, फिर मेरे आकर कोई बोला आप यहाँ से हट जाओ, आप यहाँ से हट जाओ, तो मैं वहाँ से हट गया। तो फिर तो कुछ भी नहीं, दूसरा दिन सुबह मैं पूछा कि क्या बात है, क्या हो रहा था, बोला क्या बात है। तो वो जो व्यक्ति ये कर रहा था वो व्यक्ति स्वयं आए, आके बोल रहे समय थे दो माताएं जंगल में गए थे घास काटने, उनमें से एक माता गिर के मर गई और वो माता इसके ऊपर सवार हो गई। अब उसको भगाना था, भगा रहा था, क्या करता पिटाई कर रहे थे, परंतु अभी प्रेतात्मा हो गया ना, वो साधु महात्मा से डरते होंगे, तो घबराया होगा, मैं कैसे जाऊँ वहाँ से, वहाँ पर तो मेरा प्रतिबंध बैठा होगा, वो लोग आप लोगों के पास आ नहीं सकते, इसलिए आपको मैं पहले बोला था कि आप नहीं आना, बाहर नहीं आना, क्योंकि काम करना था रात में। तो ये भूत प्रेत के तरह आविष्ट हम लोग अभी क्या हो गया, फलावेश हेतु फल के आविष्ट हो गया। भूत प्रेत को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेदांत डिंडिम की पिटाई करना पड़ेगा, वेदांत तो वहाँ आपको कि बार 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 भेड़ की तरह बजाना पड़ेगा, तब जाकर ये आदेश निकलेगा। यथा पुनः मंत्र औषधि बीजेन एव, देखिए किस किस प्रकार से मंत्र प्रयोग से औषधि के प्रयोग के अथवा अपने सामर्थ्य से ग्रहावेश इस प्रकार ग्रह का आविष्ट यथोक्त जिस प्रकार ग्रहावेश को हटाया जाता है उसी प्रकार से यथोक्त अद्वैत दर्शन इस ऊपर में जिस प्रकार इस अद्वैत दर्शन के द्वारा ये जन्म मृत्यु का जो ग्रहावेश है इसको भगाया भगाओ। इसलिए बोलते यहाँ पे यथोक्त अद्वैत दर्शन अविद्या उद्भूत हेतु फल आदेश अपनितो भवती, ठीक है ना, इस अद्वैत दर्शन के द्वारा अविद्या से उत्पन्न हुआ जो कार्यकरण भाव के संस्कार जन्म बैठ गया वो आदेश मतलब तो आवेश तो नहीं हो सकता अपनितो भवती, वो मन से निकल जाते हैं। अद्वैत दर्शन बार बार विचार करने से यही है भूत प्रेत को हटाने के लिए हेतु, अद्वैत चिंतन अद्वैत बार बार विचार करने से तो धीरे 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 जन्म व्यक्ति की चिंता और कार्यकर्म भाव की चिंता ये सब धीरे धीरे मन से निकल। यदा पुनर् मंत्र औषधि बीजेन इव, ठीक है ना, मंत्र के द्वारा औषधि के द्वारा सामर्थ्य के द्वारा उसको हटाया जाता है, कहा किसको गुणावेश को, ठीक उसी प्रकार से यथोक्त अद्वैत दर्शन जो मंत्र को शुरू से बोल करता है इस अद्वैत दर्शन के आधार पर विचार के द्वारा अविद्या उद्भूत हेतु फल आदेश अविद्या से उत्पन्न हुआ जो कार्यकरण भाव की एक आवेश वो क्या होता है अपनितो भवति, वो हट जाता है, वो हट जाता है। तदा जिस समय हो जाए तदा तस्मिन क्षणे उस क्षण में जिस समय हट जाएगा नास्ति हेतु फल आप निश्चय कर लेंगे, क्या निश्चय करेंगे, यहाँ पर कार्य रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प के साथ रज्जु का कोई कार्यकरण भाव होना संभव नहीं है, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प के साथ रज्जु का कोई कार्यकरण भाव तीनों काल में होना संभव नहीं है, ये कल्पना ही मात्र था। इस प्रकार अद्वैत विचारी, इसलिए विचारी वेदांत में सबसे बड़ा साधन है कि विचार करते करके इस अवस्था में आना है कि मैं जन्म मृत्यु थे वही प्रेक्षुक चेतन का यहाँ पे किसी के साथ कोई सर्वथा असंभव नहीं है, सर्वथा अलिप्त हो, इस भाव से मन में धीरे 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 यदि निश्चय होता है तो मनुष्य हेतु फल भाव से निकल जाता है। इसलिए अगला श्लोक में इसी को मतलब कब तक ये चलता रहेगा, जब तक हम इसको बना के रखेंगे, ये दूसरे का किसी के ऊपर नहीं है, हम कब तक अपनी भ्रांति को बना के रखना चाहते हैं, तब तक कोई की चाहते हैं दैत्य में ही बने रहो, ये भक्त कोई जीवन मुक्ति को नहीं जानते हैं, भक्त लोग अधिकतर शायद जो स्वामी को दैत्य बने कर वहाँ पर जाकर जीवन इस प्रकार मुक्ति मानते हैं, ये जीवन मुक्ति स्थिति यहाँ पे प्राप्त होकर के मुक्त अवस्था को अनुभव करना वो कंसेप्ट तो बहुत ही कम बन जाए, और उसमें भी जो इसको मिटाना चाहते हैं ठीक से, तभी तो भगवद गीता के सप्तम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित जगतशील है, हजार करोड़ों मनुष्य में फिर एक आध व्यक्ति जो है ये भगवत प्राप्ति के लिए संसार में इच्छा करते हैं, जतताम अभिषिद्धानाम प्रयास करने वाले इस प्रकार सिद्ध साधकों के में कश्चित माम व्यक्ति करते, तो कोई एक आध व्यक्ति भगवत तत्व को ठीक से समझ पाते हैं। वहाँ पे भगवान भाष्यकार जतताम अभिषिद्धानाम तो सिद्धानाम पद आए ना भगवान श्री कृष्ण, वो सिद्धानाम भगवान भाष्यकर उसका अर्थ लिख रहा है मुमुक्षुनाम, ये सिद्धि नहीं बोला तो मुमुक्षु तो आना सबसे बड़ा सिद्धि है मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है, प्रथम हमारे अंदर संसार बंधन एक बंधन जैसे लगे और यहाँ से मुक्त होने का इच्छा यही सबसे बड़ी सिद्धि, अभी मैं गरीब आदि को सिद्धि नहीं बोलते बंधन में फंसाएगा, बंधन में फंसाएगा, तो इसीलिए वो चीज़ है
यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि जब तक एक मन से नहीं निकल पाएंगे हम, वो कैसे निकलेगा? वेदांत श्लोकन करते करते, विचार करते करते, श्लोकन के बाद मनन, सुन के भूल जाने से काम होने वाला नहीं है। श्लोकन के बाद मनन करके फिर निश्चय बना, तब तो सही शास्त्र सही बोल रहे हैं, ऐसा ही है। इसलिए इस विचार को ही मन में दृढ़ करके बैठाने से फिर जन्म मृत्यु के बंधन छूट जाता है। अब देखिए आगे के लिए उपद खाते थे, अभिनिवेश वशात हेतु फल उद्भवे किं भवति। इस अभिनिवेश के कारण यदि इस कार्यकरण हेतु और फल की भाव हमारे अंदर चलते रहे तो नुकसान क्या हमने होना? हमको तो अच्छा लगा साधु बना, इतने व्यक्ति को बिना तो पढ़ा रहा हूँ, कितनी अच्छी बात है, इसमें नुकसान क्या? चल रहे तो वैसे तो क्या होगा, फंसते रहोगे, फंसती जगह निकल नहीं पाओगे। इसे बोलते हैं अभिनिवेश वशात हेतु फल उद्भवे। इस अभिनिवेश से कभी कभी बड़े बड़े महापुरुष को भी ऐसा कहना पड़ता है कि विद्या ही हमारे लिए प्रतिबंधक बन गई। ये भौतिक विद्या भी एक भौतिक विद्या का मतलब पाते थोड़ा सा आया हुआ है, निकाय ये भी कभी कभी प्रतिबंधक बन जाता है। तो ये यहाँ पे बोलते हैं अभिनिवेश वशात हेतु फल उद्भवे किं भवति। अभिनिवेश के फलस्वरूप ये यदि कार्यकारण भाव चलते रहे उससे नुकसान क्या है, किं भवति? तब उसके उत्तर में कहता है पांच नंबर टिप्पणी किम के ऊपर, किम अनिष्ट फल, इसमें नुकसान क्या है, अनिष्ट फल क्या होगा? चलिए तो अच्छा है, अच्छा खासा साधु बना, हम लोग सम्मान कर रहे हैं, विलंब करण पठन पठन करो, बिना प्रयास करके सारा वस्तु भगवान दे रहे हैं, इसमें नुकसान क्या है? इसके ऊपर उठाकर जिस दिन हो जाएगा ना तब जाकर के निश्चय हो जाएगा इसमें क्या नुकसान है। इसलिए भगवान ऐसे कभी कभी रास्ता खोल देते हैं क्या नुकसान है, अनिष्ट फल में थी अर्थ। तो अब इस श्लोक में देखिए क्या बोलते हैं हम अभी, और अभी निवर जा यावत हेतु फलावेश, यावत हेतु फलावेश, संसारस्तावदायतः, संसारस्तावदायतः, शिने हेतु फलावेशे, शिने हेतु फलावेशे, संसारं न प्रपद्यते, संसारं न प्रपद्यते, यावत् हेतु फलावेश, संसारस्तावदायतः, शीने हेतु फलावेशे, संसारं न प्रपद्यते। जब तक इस हेतु और फल के आवेश हमारे अंदर रहेगा ना, ये दुराग्रह अथवा भूतावेश प्रताप संसार स्थापक आए तब तक ये संसार का विस्तार होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। न अंत न मंत न पुनस्तवादि भगवान की तरह नहीं होते हैं, न रूपम से उपलब्ध थे, न अंत न मंत न पुनस्तवादि, इसका ये रूप ऐसा उपलब्ध नहीं होता, अपने पूरी कल्पना ही है, परंतु इसका आदि अंत मंत नहीं है। जब तक तुम्हारा आवेश है तब तक ये बढ़ता रहेगा, इसका बढ़ता रहेगा। इसलिए संसार छिने हेतु फलावेश, एक बार यदि मन से कार्यकरण भाव निकल जाता है तब संसार न प्रबल जाता है, फिर जाए संसार बंद हो जाता है, फिर संसार बंद हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्लोक सामान्य है यहाँ पे जहाँ अब टीका कर भाष्य कर के रूप का न सेकंड लाइन बोल रहा है अभिनिवेश निविद्या तब अनुद्भवे वा किम शब्द। यदि अभिनिवेश निकल जाता है और इधर मन में विचार ही नहीं उठता कार्यकरण भाव के, अभिनिवेश निवृत्त, अभिनिवेश के निवृत्ति के द्वारा तद अनुभवे पा अथवा इसका जो है अनुभव जब हो जाता है किम से उससे क्या लाभ होगा, ऐसा भावना व आकांक्षा होने पर छिने हेतु फलावेश संसार न प्रबलता है, उसको जब छीन हो जाता है तो संसार का विस्तार नहीं, संसार का विस्तार। मैं दिन बता रहा था ना भगवत, ये थे भगवत कथा से कि जवाहरलाल नेहरू महाराज एक बार रांची में जो हमारा मेंटली रिटायर्ड पीपल है उनको रख के ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहाँ पे गए थे तो एक किसी व्यक्ति से पूछा बैठा हुआ था आपका नाम क्या है, तो बोलते हैं तू अपना नाम बता पहले, तो बोलते हैं मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ हाँ मैं भी पहले आप लोगों को पंडित मोतीलाल नेहरू बोलता था, घबराओगे तुम ठीक हो जाओगे। मतलब ये हमारे संचार परंपरा ऐसे ही चलता आ रहा है, ऐसे ही चलता आ रहा है, हम सभी इसी कैटेगरी में है, खाओ पियो वंश वृद्धि करो और संसार को बढ़ाते रहो, अधिकतर यही शिक्षा ही होता है, पूर्ण रही अजाम की शिक्षा होता है, समझ में कैसे आएगा।
उन्हें भी पहले ऐसे ही बोलता था, तू भी अभी ठीक हो जाएगा, तू भी यहीं पर रहना, कुछ दिन बाद ये भी निकल जाएगा, ऐसे ही है, हम भी चलता ही रहता, छीने ही तो फलावेश संसार का प्रबंधन है। इसलिए मतलब हर समय शरीर का अपना प्रारब्ध तो है, वो तो करेगा, परंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न ना हो, कोई नया संस्कार उत्पन्न ना हो, इसका कभी बहुत ध्यान रखना है, जो है उसके एग्जस्ट होने दो, जो है उसका एग्जस्ट होगा, बिना एग्जस्ट प्रारब्ध है, क्षय हुए बिना तो जाएगा नहीं, तो उसको क्षय होना है, तो क्षय को देखते रहना, क्षय को देखते रहना, तब जाकर के फिर जो है धीरे धीरे कार्यकारण भाव के मन से जाएगा, कि कार्यकारण भाव कभी था ही नहीं, इसलिए कभी होगा भी नहीं। तो यहाँ पे अभिनिवेश निवृत्ता तक अनुभवेगा किन शब्दों से क्या लाभ होता है, कि बोलते हैं छीने हेतु फलावेश संसाधन प्रपत्र संशय उत्पन्न नहीं होता। फिर अनभिवृत्त आकांक्षा पूर्वक हम पूर्वार्थम जोड़ देते, फिर कुछ आकांक्षा लेकर के अगला भाव को जोड़ते हैं भगवान भाष्य का। यदि हेतु फलोद्भव सदा को दोष, यदि इस प्रकार हेतु और फल भाव चलते रहे, पूर्व मीमांसा दर्शन ना सृष्टि को नित्य मानते हैं, पूर्व मीमांसा दर्शन सृष्टि को नित्य मानते हैं, क्यों वेद अपौरुष है, यदि सृष्टि नाश हो जाएगा फिर वेद कहाँ से मिलेगा हमको, वेद को शब्द राशि मानते हैं, ज्ञान रूप नहीं मानते हैं, फल तो क्या हो गया, नया शब्द राशि कहाँ से आएगा, इसलिए संसार को विस्तार होगा, कर्म करो कर्म फैलो कर्म विस्तार होगा, नित्य बना रहेगा। यदि हेतु फल उद्भव होता कौन दोष, यदि इस प्रकार के हेतु और फल का उद्भव होते रहे तो क्या नुकसान है, इति उच्यते। इसका उत्तर में यहाँ पे मांडव को कार्यकाल बोलते हैं, यावत हेतु फल आविशो, यावत सम्मत दर्शनेन हेतु फल आविशो न निवर्तते, मतलब पक्षीण संसार तावत आयत दीर्घो भवति, ठीक है ना, जब तक जिस जिस विषय में हमारा दुराग्रह है वहाँ सम्मक दर्शन के द्वारा यानी यथार्थ अद्वैत दर्शन के द्वारा शुद्ध व्यापक चेतन मात्र पूर्ण परिव्याप्त, इससे भिन्न कुछ भी संसार में नहीं है, जो भी कुछ दिखाई दे रहे हो प्रतीति मात्र है, इसके साथ तीनों कर्म ना कोई संबंध है, ना कोई था ना हो सकता है, जय के साथ चेतन का क्या संबंध होगा, कोई संबंध संभव ही नहीं है। इस प्रकार से बार बार विचार करने से जहाँ सम्मक दर्शन है ना, हेतु फल आवेश, हेतु और फल की जो आवेश मतलब दुराग्रह जो मन में जन्मांतर संस्कार से बैठा न निवर्तते, जब तक नहीं निकल जाते हैं, अक्षीण संसार मतलब क्षय रहित ये संसार है ना, अक्षीण संसार, संसार के विषय मतलब क्षय रहित ये संसार, तावत आयत तब तक इसका विस्तार होता ही रहता है, तब दीर्घो भवति, बस एक के बाद दीर्घ होता जाता है ना, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। चार नंबर टिप्पणी मतलब अक्षीण संसार मतलब अनिवृत्त संसार, जो मतलब जो कभी मिटेगा ही नहीं, अनिवृत्त जिसको क्षय नहीं हुआ, अक्षीण संसार तावत आयत दीर्घो भवति, अन्य सभी दर्शनों में तो सृष्टि की उत्पत्ति नाश माना हुआ है, परंतु पूर्व मीमांसा दर्शन की जगत की उत्पत्ति नहीं मानते हैं, वो बात है जगत की उत्पत्ति हो जाएगा तब फिर वेद पौरुषयोग तो आ जाएगा वेद में, इसलिए जगत का अंतपति वेद भी है, इसलिए वो कहते हैं कि सब कर्म करते रहो संसार के विस्तार होते रहेगा, संसार स्थावत आयत दीर्घो भवति इति अर्थ, परंतु छीने पुनः हेतु फल आवेश संसार नाम प्रपद्यते, यदि विचार पूर्वक बार बार विचार करते करते ये कार्य कारण भाव श्री भाष्य भगवान भाष्यकार की वो जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र ये श्लोक बहु विश्वम पश्यति कार्य कारण ऐसा स्वामी संबंध है, एक ही श्लोक में देखिए पूर्व मंड को कार्य का कार्य कैसे समझाएगा, जब तक ये हम देखते रहेंगे विश्वम पश्यति कार्य कारण स्वस्वामी संबंध का शिष्य आचार्य तथे पितृपुत्र आत्मा भेद, इस आत्मा में सारा भेद का व्यवहार करता है, कब करता है स्वप्ने जागृति जब ईश्वर पुरुष माया परिभ्रमित, माया के द्वारा परिभ्रमित होकर के जो जीव से व्यवहार करते हैं वही दक्षिणामूर्ति है, वही कर्म स्वामी चिन्मयन स्वामी अधिकतर बोलते थे दक्षिणामूर्ति स्त्रोत्र इससे डॉक्टरेट रिसर्च वर्क दक्षिणामूर्ति स्त्रोत्र रिसर्च अकेले पर्याप्त है वेदांत को समझने के लिए, जब तक ये रहेगा तब तक जो है ये चलता ही रहता है, छीने हेतु फल आवेश, जब ये हेतु और फल के आवेश क्षय हो जाता है संसार न प्रपद्यते, संसार की तब विस्तार नहीं होगा, अकस्मात कारण अभाव, कारण नाश हो जाने से कारण क्या है हमारे दुराग्रह, हमारे दुराग्रह ही हमारे लिए इस प्रकार संसार उत्पन्न कर, यदि वो मिल जाते हैं तो फिर जो है संसार अपने आप विनाश हो जाता है। टीकाकार एक लाइन लिखते हैं,
उत्तराधम व्याचष्टे, उत्तराधम मतलब श्लोक के अगले आधा भाग को क्या बोलते हैं, छीने पुनः हेतु फलावश्य संसार न प्रपद्य, है ना, कि हेतु और फल के आवेश छीन हो जाने पर फिर दोबारा में हमारा संसार का विस्तार नहीं होता। कितने प्रकार के आवेश दुरा कर रहे थे व्यवहार में, अस्वीकार मैं नहीं करता हूँ। पहले जमाने में लोग होटल में नहीं खाते थे, कोई मुसलमान के साथ एक शक रहेगा तो भाई वो जाते छूट हो गया, कितना प्रकार के गुरा गुर रहता था मनुष्य के मन में। हम तो धीरे 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 ये सब जाता रहे, परिवर्तन होते जा रहे, परंतु ये जो मैं मनुष्य हूँ, मैं वेदना हूँ, उससे मिलेगा ये भाव पूरा नहीं जाता, ये भाव पूरा नहीं जाता। पहले धर्मनिष्ठ थे, अभी व्यवहार निष्ठ थे, भगवान तो कार्यकरण भाव मन में बनाए जाए। अब यहाँ पे तो पूर्व मीमांसा दर्शन के साथ थोड़ा विचार चल रहा था, तो वहाँ से बहुत मत अभी तो खटे हैं, अभी बैठ करके सुन रहा था, बहुत वहाँ बैठ करके सुन रहा था कि दोनों क्या बोल रहे हैं, ये दो नास्तिक दर्शन है, ये नास्तिक दर्शन है, तब तक नहीं बोल रहा था। अब वो बोलते हैं वाह वेदांती वाह, तुम क्षण क्षण में अपना रंग बदलते रहते हो, तुम्हारा कोई सिद्धांत ही ठीक नहीं है। क्यों, अभी बोला तुमने कि किसी का जन्म होना संभव नहीं है, अभी क्या बोल रहे हो कि जन्म मृत्यु का बंधन चलते ही रहेगा। क्या सिद्धांत बनाया तुमने, एक एक क्षण में पहले जो बोल करके आता तुरंत घूम जाते हो, बुद्धवादी ने फिर गलत परिचय पकड़ लिया। ये पूर्व मीमांसा को समझाने के लिए बोला था, ये कर्म कांड का चक्र चलता रहेगा तो परम पुरुषार्थ तो सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। परम पुरुषार्थ तो तुमने माना धर्म अर्थ काम मोक्ष मतलब श्रेय के मार्ग, ये जब कर्म कांड चलता है तो श्रेय मन कौन से कैसे अलग करके बोला मान, इसलिए उसको एक समय आने के बाद मतलब धर्माचरण का ध्यान रखना है, धर्माचरण किए बिना आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश नहीं हो सकते आप। धर्म चाहे सकाम भाव से करो चाहे निष्काम भाव से करो, निष्काम भाव से करना चाहिए जल्दी पहुँचेंगे, सकाम भाव से करने से थोड़ा देर लगेगा, परंतु धर्माचरण किए बिना आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश नहीं होता। तब आध्यात्मिक प्रवेश होने के बाद तब धर्म बिल्कुल छोड़ जाता है, क्योंकि आपने पूछे इसलिए परीक्षा लोकान कर्म से कहीं शब्द प्रयोग किया गया है। अब उसको अब अपना के देख करके अच्छी तरह से प्रयोग करके तब छोड़ना है। अब यहाँ पे बहुत वादी बैठे हुए थे, वो बोल रहे तुमने तो एक मिनट पहले बोल करके आए कि जन्म होना संभव ही नहीं है, और इधर क्या बोलो संसार तक जन्म तक पर चलता ही जाएगा जन्म मृत्यु, उनको बदल दिया अपने से बदल, तुमने ध्यान से नहीं सुना, मैंने एक शब्द बीच में जोड़ दिया था अविद्या अविद्या उद्भूतेन हेतु फलावेश, ठीक है ना, ये तुमने ध्यान नहीं दिया तुमने, तो उसको उत्तर देंगे उसको। वो यहाँ पे बोलते हैं ये टीकाकार देखे लिख रहा है श्लोक के लिए, कूटस्थ अद्वितीय आत्मतत्व इति इच्छता उतो जन्म नाशो व्यवहेते तत्र आह, ठीक है ना, अभी तुमने क्या बोला, ये कूटस्थ अद्वितीय आत्मतत्व है जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्यक्ति कुछ नहीं है, कार्यकर्म भाव में कूटस्थ नित्य वस्तु है, इस प्रकार मानने वाले आपके द्वारा कूटस्थम अद्वितीय आत्मतत्वम इच्छता भगता वेदांतिन, ठीक है ना, ये वेदांतियों के द्वारा आपके द्वारा जो अभी कहीं करके आया कूटस्थ अद्वितीय आत्मतत्व एकमात्र सत्य, तो फिर कुतो जन्म नाश हो गया गृह से, फिर जन्म मृत्यु का चक्कर कहाँ से आ गया तुम्हारे पास, तुम तो जन्म रहित बोलते हो, और बोलते तब तक जन्म मृत्यु चलता रहेगा, तब तक तुम जन्म मृत्यु को मान्यता दे दो, तुम्हारे तो पूर्व पर विरोध हो गया, तुमने पहले कुछ कह करके अभी कुछ बोल रहे हो। तत्र ऐसा शंका करने पर तब बोलते हैं सुनो सुनो, हर सिंह यहाँ पे वो शब्द प्रयोग किया कि समृद्ध शब्द बौद्ध दर्शन में आया हुआ है, तो इसलिए उसको शब्द से शुरू करते हैं। तो श्लोक में देखें तो छह नंबर पे कितना नंबर टिप्पणी है, वो इच्छता छह नंबर ना, इच्छता त्वया वेदांतिना इति अर्थ, छह नंबर टिप्पणी देखो इच्छता मतलब त्वया आपके द्वारा तुम्हारे द्वारा कौन हो तुम वेदांती, है ना, तुम कुटस्थ नित्य आत्मा को मानने वाले हो, तो तुम्हारे द्वारा फिर जन्म मृत्यु कहाँ से बोलने लग गया, तुमको तो नहीं बोलना चाहिए था, ये हो रहा था बातचीत हेतु फल आदेश को लेकर के पूर्व मीमांसा के साथ, वहाँ पर सभी बातें बैठे हुई है, तो फिर बुद्ध ने पकड़ लिया, तो ध्यान तुमने तो बोला कि जन्म मृत्यु है नहीं, और फिर बुद्ध संसार की तो तुम्हारा विरोध खत्म हो गया। तब बोलते हैं यहाँ पे समृत्या जायते सर्वम, समृत्या जायते सर्वम शाश्वतम नास्ति तेन वै, शाश्वतम नास्ति तेन वै सद्भावेन ह्यजं सर्वम, सद्भावेन ह्यजं सर्वम
उच्छेदस्तेन नास्ति वै समृत्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै सद्भावेन यजं सर्व उच्छेदस्तेन नास्ति वै समृत्या जायते सर्वं सम्मत रूपेण अवृत है तो संभृता यहाँ पे ज्ञान पूर्ण रूप से ढका रहता है तो समृद्ध एक नंबर टिप्पणी होता है अविद्वया सृष्टि जो है अविद्या की महिमा ज्ञान की महिमा है इसलिए अविद्वया सिद्ध हमें कभी कभी लगते हैं माया की आवश्यकता ही नहीं है अविद्या अकेला ही पर्याप्त है कमाल करने के लिए पूरा कमाल उसी का ही है माया तो अलग जगह रहने दोनों को अभी अकेला ही पर्याप्त है समृद्धा जायते सर्व जो भी कुछ सृष्टि होते हुए दिखाई दे रहा है ना वो सब अज्ञान से होते हैं देखिए समृद्धा जायते सर्व ज्यादा फोर्थ का मेरे को संभाल में कर दिवाली का कथा जायते एक्टिव पैसिव दोनों में ही प्रयोग होगा और सर्व बोल रहे हैं वहाँ पे तो जब हम न्यूट्रल व्यंजन में प्रयोग करेंगे तब वहाँ भी तो वैसे तो दोनों प्रकार से सभी प्रकार तो व्यवहारिक दृष्टि से मतलब अज्ञान से उत्पन्न होता है शाश्वतम नास्ति तेन वै क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न होता है इसलिए इसमें कोई स्थिरता नहीं है नित्यत्व है नहीं तेन वै मतलब तेन मतलब सर्वस्व अविद्ध आविद्धकत्व तेन मतलब आविद्धकत्व सारा संसार जो भी दिखाई दे रहा है अज्ञान से दिखाई दे रहा है इस कारण से तेन और वै लगे निश्चिति इसलिए बोलते हैं आप देखिए टिप्पणी का लिख रहे हैं दो नंबर में सर्वस्व आविद्धकत्व एव वै मतलब एव और तेन मतलब आविद्धकत्व एवं सारा संसार जो भी कुछ दिखाई दे रहा है अविद्या से अज्ञान से ही दिखाई दे रहा है रज्जु को सर्व अज्ञान से ही दिखाई देता है भ्रांत वस्तु अधिष्ठान के अज्ञान से ही दिखाई पड़ता है इसीलिए समृद्ध जायते सर्व जो भी आपको रज्जु को सर्व उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रहे हैं ना वो अज्ञान के कारण अधिष्ठान तत्व के अज्ञान के कारण सद्भावेन ही अयम सर्व सद्भाव मतलब आत्मदृष्टि से देखोगे तो सारा जन्म रहती है सृष्टि बोला संभव ही नहीं है सद्भावे नहीं अयम सर्वम जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं प्रतीति हो रहे हैं वो सब जब सद्भावे ना तो आत्मदृष्टि से जब आप देखोगे ना तब जन्म रहित होगा अब जन्म रहित जब होगा तब उसका उच्छेद भी कहाँ से होगा जब वस्तु है नहीं इसलिए होता है उच्छेद स्थिर नास्ति कोई इसलिए इसका उच्छेद भी नहीं किया जा सकता है एकमात्र ज्ञान नश्य है रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा है सर्व आप कितना भी दूसरे डर करके आप तो लट्ठी चलाओ कुछ भी चलाओ सर्व क्योंकि मन में तो सर्व बैठा हुआ है वो तो वहाँ पे है नहीं हम लट्ठी चला रहे हैं तलवार चला रहे हैं को क्या है वो सर्व को हटाने के लिए मतलब सर्व को मान्यता दे कर कुछ हटाने के लिए हम खुद लट्ठी चलो परंतु वहाँ तक पहुँचने जाने ज्ञान ये वहाँ पे जाकर उसको देख लिए हिम्मत नहीं हो रहा ऐसे ही हम संसारी दुख से बचने के लिए साधन भजन खूब इच्छा करते हैं पर वो जो संसार को मान्यता देकर कर रहा है जिंदगी भर में दुख नहीं मिट सकता कितना भी मिल जाए दुख नहीं मिट सकता समझ में आया क्या बोल रहे थे कि अज्ञान के कारण जिस वस्तु को उत्पत्ति हुआ उस वस्तु को ज्ञान के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है ये इसीलिए उस दिशा समृद्धि न अजम सर्व सद्भाव मतलब सद्भाव मतलब उस आत्मदृष्टि से आप जब देखोगे अधिष्ठान दृष्टि से देखोगे तो वहाँ पे कुछ उत्पत्ति होते नहीं दिखाई देगा और दूर से देखोगे उसका नाश भी नहीं तुम कर पाओगे उच्छेद तेना नास्तिक वही यदि वहाँ पे होता वस्तु तब तब उसको उच्छेद करते है ही नहीं उसको क्या उच्छेद करेगा ज्ञान ही उसका एकमात्र रास्ता है इसके बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है एक नंबर टिप्पणी में समृद्धता मतलब अविद्या नीति अर्थ दो नंबर टिप्पणी तेन वही मतलब सर्वस्व आविद्धकत्व एव फिर सद्भावेन मतलब सद आत्मरूपेण इति अर्थ और दूसरी बात एक और भी है कि उस आत्मा को ऊपर दिखाई दे रहा है ना आत्मा तो नित्य वस्तु है अब अधिष्ठान का धर्म कारण का सकार्थ में आएगा इसीलिए जगत नित्य भी सत्य भी लगता है आत्मा सत्य है नित्य है इसलिए जगत सत्य भी लगता है नित्य भी लगता है रज्जु के ऊपर जब तक हम सर को देखते हैं कभी लगता है कि सर में मिथ्या है क्योंकि व्यवहारिक सत्य तो व्यवहारिक सत्य तो सर में आरोप कर लेते हैं ये चीज होता है हमें भी इसलिए होता है सद्भावे न ही अजम सर्वम सद्भावे न मतलब सद आत्म रूपे न यदि आप ठीक आत्मदृष्टि से देखोगे तब कोई जन्म हुआ ही नहीं अब आत्मदृष्टि से नहीं देखा परंतु वस्तु वहाँ पे है नहीं इसीलिए जो उसका उच्छेद भी आप नहीं कर सकते हो ज्ञान के बिना दूसरा किसी रास्ता नहीं उच्छेद उच्छेद नास्ते भाई इसीलिए उसका उच्छेद का प्रसंग भी नहीं आता
दुखा के फेंक दो का अभिप्राय है कुछ भी साधन से, बिना कोई भी साधन से इसका उच्छेद नहीं हो सकता। एक मतलब ध्यान के बिना ठीक से समझ के बिना कोई असर नहीं। हाँ, ये बात है कि उसको ठीक से समझने के लिए जो मानसिक योग्यता चाहिए उसके लिए कुछ साधन बचना पड़े तो हम इसे नहीं करते, परंतु कुछ भी करिए जब तक वहाँ पर जा करके हम ठीक से नहीं देखेंगे, मतलब एक व्यक्ति सर्प है, सर्प में करके भाग रहा था और जाके कुछ ठोकर भी खाया, गिर भी गया, सर भी फूटा, कोई व्यक्ति आकर के उसको उठाया, क्या हो गया वहाँ सर्प पर, ठीक है कोई बात नहीं उठो, पहले तो कुछ मलम पट्टी भी किया और फिर जो है उसको मतलब ढांढस बांधने के लिए हिम्मत बढ़ाने के लिए चलो ये टॉर्च लो ये लट्ठी लो हम सर्प को जाकर मारते हैं। फिर जब वहाँ पर लेकर टॉर्च लगाएगा तो लट्ठी के चलने की आवश्यकता नहीं, टॉर्च के भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो है ही नहीं सर में नमक कोई वस्तु। परंतु जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक ये संसार विस्तार होता ही रहता है। सद्भाव भी नहीं अजब सदम, जब आत्मदृष्टि से देखोगे तब तो वो जो है जन्म रहती है, इसीलिए उसका उच्छेद भी नहीं होता कभी। टीका में आ जाइए, टीका नहीं भाष्य में, ननु अजात आत्मन अन्न नास्ति एव तत् कथम हेतु फल एव संसार से उत्पत्ति विनाशो उच्यते, है ना। ये भाष्य कर रहे हैं पूर्ववादी, आक्षेप कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं ये आक्षेप करने वाला बौद्ध, ये बौद्धवादी बोल रहे हैं। ननु आपने क्या कहा, अजात आत्मन जन्म रहित आत्मा से भिन्न करके पंच में अन्न नास्ति एव कुछ है ही नहीं, सर्वम खलुदम आत्मैव इदं सर्वं पुरुष एव इदं विश्वम, ऐसा आपने कहा तो अन्नत नास्ते मदत कथम, और फिर कैसे बोलते तो हेतु फल हो संसार से, संसार में कार्यकर्म बना रहेगा मतलब जो उत्पत्ति विनाश हो और उत्पत्ति विनाश, एक तरह मैं बोल रहा हूँ कूटस्थ आत्मजन्म ही नहीं और एक तरह बोल रहा हूँ आपका संसार उत्पत्ति विनाश तब तक होता ही रहेगा, ये विरोध है, बिल्कुल विरोध कथन है आपका ये संसार शंका का। इसलिए ननु अजात आत्मन अन्नत नास्ति एव, ये तो आपकी प्रतिज्ञा है, तत्कथम फिर कैसे हेतु फल यो संसार से उत्पत्ति विनाश उच्यते, हेतु फल वाला ये संसार का, ये हेतु फल वाला संसार का षष्ठी उत्पत्ति, हेतु फल यो संसार से जो उत्पत्ति विनाश उच्यते उसको उत्पत्ति और नाश कैसे कह सकते हो उच्यते, तब उसका उत्तर में श्लोक आता है त्वया उच्यते, तुम्हारे द्वारा, त्वया आपके द्वारा ऐसा कैसे कहा जाता है। तो मन बुद्धि कार्यकर्ता बोलते हैं कि आपने बीच बीच में हमारे एक शब्द को छोड़ दे रहे हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनो, सुनो सुनो मतलब क्यों, प्लीज पे मोर अटेंशन। जब हम उसके साथ बात कर रहे थे आपने कहीं थोड़ा इधर उधर मन चला गया, इसलिए मैंने असली बात को आप सुना नहीं, असली बात क्या है अज्ञान को तो आपने नहीं सुना, उसी से जगह देखते चलते सुनो सुनो उसके पीछे क्या कारण है। इस मंदिर का टीका को देख लेते हैं, अविद्वया मतलब पेज 255 पे जो है ना, अविद्वया सर्वस्व जायमानते सति अविद्या विषय नित्यम नाम नास्ति वैति अह, बोलते हैं शाश्वतम नास्ति, जो प्रतीक है ना श्लोक में उसको लेकर बोलते हैं, अविद्वया अविद्या से सर्वस्व जायमानते सति समस्त वस्तु की उत्पत्ति, सत्यप्त में कंडीशन अविद्या से उत्पन्न होता है, उत्पन्न है अविद्या सत्य सृष्टि सत्यम अविद्या सृष्टि अभाव, ये अन्य गति लिखे बोलते हैं अविद्या सर्वस्व जायमान अविद्या से सारा वस्तु की उत्पत्ति होते हैं ऐसा मानना जायमान सभी अविद्या विषय नित्यम नाम, इसलिए अविद्या को आश्रय करके जो भी कोई वस्तु होगा वो नित्य तो हो ही नहीं सकता, वो है ही नहीं उसको, तो हम नित्य और नित्य क्या बोले उसके लेकर के, वो तो अनित वचनी है, इसलिए अविद्या विषय नित्यम नाम नास्तव में नित्य नाम कोई वस्तु है ही नहीं, इसीलिए उसका मन में रखते होते हैं शाश्वतम नास्ति तेन भाई, क्योंकि वो अज्ञान से दिखाई दे रहा है उसमें जो है शाश्वत असत मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, नित्य अनित्य सद असत रूप भी नहीं कहा जा सकता। सात नंबर टिप्पणी में जायमानते सति अविद्या विषय, ठीक है अविद्या विषय अविद्या दशायाम प्रतियमान वस्तु किंचिदपि, अविद्या दशा में जो भी कोई वस्तु दिखाई दे रहा है उसमें थोड़ा भी सत्यत्व नहीं है, अविद्या दशा में जो भी कोई वस्तु दिखाई दे रहा है उसमें थोड़ा भी सत्यत्व नहीं है, ये कहने का अभिप्राय है ना। अविद्या विषय जायमान सभी अविद्या विषय अविद्या दशायाम अविद्या अवस्था प्रतियमान वस्तु जो भी कोई वस्तु प्रति किंचित उसमें थोड़ा वस्तु में भी सत्यत्व नहीं शास्त्र। परमार्थ तस्तु टीका में परमार्थ तस्तु सर्वम अजम परमार्थिक दृष्टि से तो सब जन्म रहती है,
कूटस्थम अस्तियते, हम कूटस्थ भाव को ही आश्रय करते हैं, उसी में मतलब स्थिर रहते हैं, अस्तियते उसी में हम उसी में स्थिर रहा जाता है। तेन कल्पना बिना विनाश नास्ती एवं हेतु फलादे आह, क्योंकि इस कारण से ये कल्पना ही था, तेन कल्पना विनाश, कल्पना के बिना उसका विनाश भी नहीं होगा, उत्पत्ति भी कल्पना, तो नाश क्या होगा, कल्पना ही होगा। स्वप्न में दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति मेरा गर्दन पकड़ने आ रहा है, मैं भाग रहा हूँ, अब मैं उस व्यक्ति को मारना चाहता हूँ, रुको मैं भागूंगा नहीं, तब एक लट्ठी ढूंढ रहा हूँ, अब उस लट्ठी जो स्वप्न का लट्ठी होगा आपके बगल में रखा हुआ ऑरिजिनल लट्ठी होगा कि स्वप्न में एक लट्ठी तैयार कर लेंगे आप, यदि ऑरिजिनल लट्ठी आप ले लिया बाई चांस तो सुबह उठ करके आपका पैर में कहीं चोटी महसूस होगा, स्थिति होगा, तो इसलिए वो भी नहीं है। इसलिए परमार्थतस्तु सर्वं पजं कूटस्थम अस्ति यते, तेन कल्पना बिना विनाश, इसलिए कल्पना के बिना उसका नाश भी नहीं है, हेतु फलादि, हेतु फलादि का नाश भी कल्पना ही है। तेन मतलब वस्तु तो जन्म अभावेन, परमार्थ वहाँ पे वस्तु नहीं होने के कारण वस्तु तो जन्म अभावेन। अब जो बोल रहे हैं यहाँ पे पूर्वापर विरोधम आशंकते, है ना, पूर्वापर आपने क्या किया, पूर्वापर विरोध आपने किया, भाष्य का नल पहले लाए, पूर्व मैंने पहले आपने बोला कि कूटस्थ नित्य वस्तु, बाद में बोला कि संसार विस्तार पैदा है, पूर्वापर विरोध है, इसलिए बोलते हैं आत्मन अन्न नास्ती एव तत् कथम हेतु फल एव संसार से जो विनाश उच्यते। अब के काम में फिर देखिए, न तब आत्मन जन्म विनाशो तस्य कूटस्थत्वा नापि ततो अन्नस्य तो युक्तो तस्य अद्वितीयत्वा तथा च हेत्वादेर बंधस्य जन्मनाशो न तया वक्तव्यो इति अर्थ। आपके सिद्धांत न तब आत्मा में तो जन्म विनाश होता ही नहीं है, तुम्हारी मान्यता है निश्चित ही आत्मा न जन्म विनाशो नस्तः, तावत आत्मा न जन्म विनाशो नस्त, आत्मा में जन्म विनाश नाम गुण वस्तु नहीं है, क्यों, तस्य कूटस्थत्वात्, आत्मा कूटस्थ में स्थित होने के कारण, ना पीता तो अन्नस्य तो युक्तो, आत्मा से भिन्न किसी वस्तु की उत्पत्ति नाश हुआ ये भी नहीं बोल सकते, वो अकेला ही है और दूसरा कोई है ही नहीं, उससे भिन्न करे तो कोई वस्तु है ही नहीं, इसीलिए बोलता है ना पीता तो अन्नस्य तो जन्म विनाशो, तो उसे कहते हैं जन्म विनाशो न युक्त, वो भी युक्ति संगत नहीं है, क्यों, तस्द्वितीयत्वात्, पहले हेतु दिया क्या कि वहाँ पे तस्य कूटस्थत्वात् और दूसरा क्या दिया तस् अद्वितीय तत्व, मतलब वहाँ पे हिंदू से भिन्न कोई वस्तु की उत्पत्ति तथा च एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हेत्वादे बंधस्य जन्मनाशो, है ना, न त्वया वक्तव्य, इसलिए तथा च नौ नंबर टिप्पणी में लिखिए तथा च जन्मादे असंभवे च, मतलब जन्म बंध इस उत्पत्ति स्थिति राशि होना संभव, हेत्वादे बंधस्य जो बंधन के लिए हेतु क्या है, जन्म और नाश उत्पत्ति न तो है वक्तव्य, ये तुमको कहना नहीं चाहिए था, इति अर्थ, ये जो है जब पूर्ववादी बोलते हैं उच्चमाने समाधाने मन समाधान, मन समाधानम अर्थयते, भगवान भाष्यकार बोलते उच्चमाने समाधाने, मैं जो अभी समाधान कहने जा रहा हूँ समाधाने उच्चमाने, मतलब सत्य जब हम समाधान कहने जा रहे हैं मन समाधानम अर्थयते, मैं तुम्हारी मानसिक एकाग्रता को प्रार्थना करता हूँ, मैं बोल कर क्या मन समाधानम अर्थयते, अर्थयते मतलब प्रार्थयते, तो सुनो बीच बीच में सुनो बोल देते हैं, मतलब मैं बोल क्या क्या आया, मतलब तुमने वहाँ पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, अब तो कम से कम ध्यान से सुन लो मैं कहा हम क्या बोला। तो आगे बोलते हैं कि समृद्धा जायत है, समृद्धा संवरणम समृद्धि अविद्या विषय लौकिक व्यवहार त्वया समृद्धा जायते सर्व तेन अविद्या विषय शाश्वत नित्यम नास्ति वै, ठीक है ना, समृद्धा जायते सर्व, इस भाग की पहला जो पाद है उसका अर्थ करते हैं समृद्धा मतलब संवरणम सम्यक रूपेण आवरणम, है ना, संवरणम, अच्छा द्विवर्ण धातु भी है, सम्यक रूप से वर्ण करना यहाँ मतलब टोटली आवरण कर दे, क्लोज कर देते हैं हमें समृद्धि, उसी को समृद्धि बोलते हैं, उसका तृतीय एक वचन प्रतिपदी को क्या समृद्धि समृद्धा, मतलब अविद्या विषय लौकिक व्यवहार, जो भी लौकिक व्यवहार होता है वो अविद्या का विषय होता है, तया उस समृद्ध तया समृद्धा, है ना, समृद्ध से तया समृद्धा जायते सर्व, उसी से सारा पुस्तक उत्पत्ति होते हैं, तेन इस कारण से
अविद्या विषय वो अविद्या के विषय होने कारण शाश्वत नित्य नास्ति वह निश्चित वहाँ पे नित्य तो नित्य कुछ भी वस्तु नहीं है, सारा वस्तु अज्ञान से प्रकृति मात्र होती है। यहाँ पे तीन नंबर चार नंबर सर्वम तीन नंबर टिप्पणी क्या बोलते सर्वम तथा च व्यवहार मात्रम जन्मादि इति भाव व्यवहारिक सत्य वहाँ पे पारमार्थिक सत्य है ही नहीं, इसे सर्वम तथा च व्यवहार मात्रम जन्मादि इति भाव और तेना मतलब जन्मादि आविद्यक मात्र तेना जन्मादि क्या है अविद्या से संबंध रखते ही जन्मादि दिखाई पड़ता है, इस कारण से सर्वम मतलब व्यवहार मात्रम आविद्यक तेना समस्त व्यवहार अविद्या से होते हैं। अध्यास भाष्य के शुरू में भगवान भाष्यकार अपने आप लिखते हैं ये जो प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार था अध्यास के बिना संभव नहीं है, अध्यास करके प्रमाण प्रमाता प्रमेय आदि व्यवहार होता है, इसीलिए अध्यास से व्यवहार होता है। तथा च हेतुवादे बंधन से न कर्मणसु न तयवत्वम्, इसलिए तुमको जो है हेतुवादि से भी बंधन के इस प्रकार में कहना क्यों चाहिए, ठीक है अब यहीं पे रखते हैं। लास्ट यत्प्रज्ञालोकाभासप्रत्यभिरगमशान्तस्थमुहान्धकारो मज्जोन्मज्जाच्छोरे अशक्तिभुवजनमति त्राशने यत्पादाश्रितानां सुकृशमभिनय प्राप्त्यग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ सर्वभावैर्नमस्ते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वारदायनं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो Thank you.